हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतगु लोक उजागर। अरे नाश्ता तैयार है क्या? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे नाश्ता तो देर हो रही है। माफ करना हनुमान जी, पता नहीं कहां अंतर ध्यान हो गई है। हम देखते हैं। ए जी, ए जी, ये क्या कर रही हो? अरे सुनती हो? हम तो सुनते हैं, तुमको दिखता है कि नहीं? का यही कि हम माला जप रहे हैं। अरे वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि माला काहे जप रही हो। हमसे काहे पूछते हो? जाकर अपने बाबूजी से पूछो ना काहे जपते हैं। अरे बाबूजी की तो उम्र हो गई है। भगवान का नाम जपना बहुत जरूरी होता है, जो ना ही जपते हैं वो बहुत जल्दी नपते हैं। इंदुमती, अभी तुम्हारी गृहस्थ और मस्त जीवन जीने की उम्र है, वानप्रस्थ और लस्त पस्त आश्रम की नहीं, इसलिए छोड़ो ये माला और जलाओ चूल्हा। ए जी, ओ जी, ये दूषित भावनाओं को विदूषित करके हमका प्रदूषित होने से बचाता है। जब जीवन में कुछ ना ही बचे तो राम नाम ही जचे। राम का जय सियाराम। कौन सिखा रहा तुमको ये सब? हमरे गुरुजी ने। कौन है वो गुरु घंटाल? तुम्हारे बाबूजी, हमरे ससुर जी। का बाबूजी की तबीयत तो ठीक है? राम राम। देखो इंदुमती, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, बहुत कुछ बचा है, हम बचे हैं। लेकिन तुम में कहाँ बचा है? का देखो, रहने दो, अब हमने अपना जीवन राम नाम को समर्पित कर दिया है। राम राम। और नाश्ता? वो तो हमने इस घर में वर्जित कर दिया है। देखो इंदुमती, हम जानते हैं कि कल हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें तुम्हें ऐसे रूखे मन से नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम दफ्तर के काम में बहुत व्यस्त थे, इसीलिए टेंशन में आ गए थे। तुम सुन रही हो ना? लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं, आइंदा हम तुम्हें ऐसे नहीं डांटेंगे। अब तो हमें माफ कर दो और जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। अब हम मंदिर जाएंगे जी, अगर लौटने में देरी हो जाए तो घर बंद कर देना, ताला लगा देना और चाबी मौसी के यहाँ रख देना। जय सियाराम। हे भगवान, ये पिताजी बिना कसम से हमेशा लबलबाए रहते हैं। क्या बोला वे? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। कुछ तो बात हैंगे, नहीं तो मुकुंदी इंदुमती को ऐसे नहीं झटकते हैंगे। अरे झटकते तो पिताजी थे, और उनके झटकने का भी एक अंदाज था। चुप कर, आजकल जहाँ से देखो उल्टी सीधी खबर आ रही है। हाँ, वर्मा कोई ले लो, शर्मा की बीवी के साथ पिक्चर देखते पकड़े गए हैंगे। दोनों देख रहे थे एक साथ, एक ही पिक्चर, एक ही हॉल में एक ही शो, बस सीट अलग अलग थी। वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी और वर्मा सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। अरे पीछे वाली सीट पर तो पिताजी बैठते थे ताकि वहाँ से वो सबको देख सके और उन्हें कोई ना देख पाए। हमें तो मुकुंदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, इंदुमती के साथ ऐसा नहीं करना। राम मौसी। राम राम। क्या बात है मौसी, आप लोग मुंह का छुपा रहे हो? अरे मुंह तो पिताजी छुपाते थे, हम तो नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। नाराजगी किससे? तुमसे और किससे? अरे हमसे खाए, हमने क्या तुम्हारी को भैंस चुरा ली? अरे भैंस तो पिताजी चुराते थे, तुमने नजर चुराई है। नजर किससे? इंदुमती से। है मुकुंदी, हमें अच्छा नहीं लगा, कल कितने प्यार से इंदुमती तुमसे बतियाना चाह रही थी, कितनी अच्छी तैयार हुई थी। कल तुम्हारी शादी की सालगिरह थी ना बेटा? अरे बाप रे, और तुमने झटक दिया, हमें अच्छा नहीं लगा। अरे हमको याद ही नहीं रहा मौसी। याद तो वर्मा को भी नहीं रहता हैंगे। कौन वर्मा? जिनका शर्मा की बीवी के साथ चक्कर हैंगे। का? हाँ मुकुंदी, जब पति पत्नी को बिना वजह झटकता है तो समझ लो वो कहीं और लटक रहा है। अरे पगला गए होगा तुम लोग, यहाँ वैसे इतनी परेशानी चल रही है और तुमको अपनी लग रही है। वर्मा भी ऐसे ही परेशान रहते हैंगे, घर वाली के साथ साथ बाहर वाली को संभालना आसान हैंगे,
अरे बाहर वाली को तो पिताजी संभालते मुकुंदी ऐसा नहीं है ए मुकुंदी चिंता ना ही करो है हम सब संभाल लेंगे इंदुमती को भी समझाएंगे हैं बहुत बड़ी कृपा होगी अगर ना समझाएं तो हमको 100% लगता हैंगे कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा हैंगे अरे चक्कर तो पिताजी का चलता था इनका तो चक्का चल रहा है का हो गया बड़े बाबू अरे मुकुंदी बाबू हम तो बर्बाद हो गए का हुआ क्या हमारे बड़े भाई की बीबी हमारे रसोइये के साथ भाग गई अरे 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 ये तो बड़े दुख की बात है इतना बढ़िया रसोइया अब कहाँ मिलेगा आज तो हम खाना भी नहीं ला पाए आपको रसोइये के भागने का दुख है अपने भाई की बीवी के भागने का दुख नहीं है अरे मुकुंदी बाबू बीवियों का क्या है उनका यहाँ वहाँ भागना आजकल कोई नई बात नहीं रही है आए दिन अखबार में खबरें आती रहती है जो काम पहले बड़े शहरों में होता था अब गाँव और कस्बों में होने लगा है क्या करें आदमी काम में उनको टाइम और प्यार नहीं दे पाता है तब वो कभी ऊपर वाले राम के नाम में लग जाती हैं कभी पड़ोस के श्याम के बड़े बाबू हमको छुट्टी चाहिए थी हमारे रसोइयों को ढूंढने जा रहे हो क्या नहीं अपनी रसोई संभालने जा रहे हैं अच्छा तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो जाओ उसको ढूंढ के लाओ हमारे रसोइये को रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन ना जाए का मतलब कहाँ है बाबूजी रघुकुल यानी राजा दशरथ के कुल की यही रीत रही है जो सदियों से चली आई है कि वचन नहीं जाना चाहिए जान चाहे चली जाए जाए इंदु कैसे है बेटा बाबूजी पाला को खुश रहो मिश्री बिटिया और कैसी हैं ठीक हूँ तुम्हारी वो कैसी है सुरीली ठीक है और तुम्हारे वो कैसे हैं ठीक है मुंबई में है अकेली आई है वो तुम्हारा बकलोल भाई कहाँ है अरे बकलोल तो पिताजी थे हम छोटू आओ आओ पिता का परलोक बिगाड़ने वाले पापी आओ बैठ बैठ हम भी आ जाएं बाबूजी हिलती दुकान सूखे पकवान आ तू भी बैठ हिंदू उठ उठ हमें तुमसे बात करनी है बेटा मौसी अभी तो ही जा जाओ बेटा जाओ आज के लिए इतना ही रामायण पाठ काफी है जी बाबूजी जाओ बेटा जा ऐसी आराम की हम भी आते हैंगे हाँ है? चल और बताइए अंकल जी कैसे हैं आप पहले मेरे पांव दबा तब बताऊंगा कैसे हैं लाइए अपने खुर इंदु बेटा घबराना नहीं हाँ हम काहे घबराएंगे मौसी हमका का हुआ है हुआ तो वर्मा जी की बीवी को भी कुछ नहीं था हाँ कुछ नहीं बेटा चुप कर हम इतना ही कहना चाहते थे हम तुम्हारे साथ हैं रात को 3 बजे भी बुलाओगे तो हम आएंगे ए मौसी हम तुमका रात को 3 बजे काहे बुलाएंगे ऐसी का जरूरत पड़ी जरूरत तो वर्मा जी की बीवी को भी नहीं थी और उसको देखो सूख के हमारी तरह कांटा हो गई होंगी वर्मा की बीवी को हुआ का है उसके पति का कहीं चक्कर चल रहा है अबे तो मैं क्या करूं अरे करते तो पिताजी थे हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं भाई आजकल के लौंडों को बांध के रखना पड़ता है अच्छा तो वहाँ रस्सी रखी है जरा उठा के उठा के लाऊं हाँ उठा के ला वो वाली हाँ वो वाली अच्छा हाँ
आजकल के लौंडों को बांध के रखना चाहिए, यही सलाह दे रहा था ना तू? तो तुझी से शुरुआत करता हूँ। अफवाहें फैलाता नालायक। अरे अफवाहें तो पिताजी फैलाते थे। दीदी, अरे दीदी बचाओ। आ गया है। बाबूजी, मैं छोटू को बांध कर रहा हूँ। अरे कब से मुझे बता रहा है? इसका उससे चक्कर चल रहा है, उसका इससे चक्कर चल रहा है। अरे भरे बुढ़ापे में रंगीन कहानियाँ सुना रहा है? चल इंदू, हम तुम्हें आगाह करने आए हैं बेटा। फिक्र मत करना इंदुमती, आधी रात को बुलाओगी तो भी हम लोग आ जाएंगे। अरे आधी रात को तो पिताजी जाते थे। नालायक, दूषित विचार ठूस दिए दिमाग में। हम मंदिर जाना पड़ेगा। अरे यार, ये बाबूजी के साथ पूरा लापतागंज का है लबलबा रहा है। ए जी। ओ जी। हाय दया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम सोच ही रहे थे राम जी के लिए फूल लेकर आए। अच्छा हुआ तुम लाए। अरे ये राम जी के लिए नहीं लाए हैं, हम तो तुम्हारे लिए लाए हैं और बहुत प्यार से लाए हैं। अब प्यार हमारे जीवन में कहाँ? अब तो उम्र हो गई है ना। अभी तुम्हारी उम्र का इंदुमती? हमारी उम्र की नहीं, तुम्हारे उम्र की बात कर रहे हैं। अरे हम तो अभी जवान हैं। रहने दो, बिन पानी की ना और ख्याली पुलाव हमका ना ही दिखाओ। अरे इंदुमती, हम जानते हैं कि आजकल हमारे जीवन में वो कोमल कस्तूरी वाली प्रेम पींगे नहीं, पर हो सकती है। रहने दो, अब हमने अपना जीवन राम के नाम कर दिया है। राम जी। अरे तुमने अपना जीवन राम के नाम कर दिया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। छी, ऐसा ना ही बोलो। इंदुमती, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने तुम्हारे प्यार को देखा नहीं, पर अब हम ऐसा देखेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। पर बस हमें एक मौका दे दो। हाय दया, हमारे सामने ऐसे हाथ ना ही जोड़ो, हमका अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब है तुमने मौका दे दिया? जब्बार। ए जी। ओ जी। हमका लगता है पति पत्नी के जीवन में कुछ समय बाद वो पहले वाली बात नहीं रहती ना। घर संसार चूल्हे चक्के में ही पूरी जिंदगी कट जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। कितने दिन हो गए हमने एक दूसरे के साथ मिल बैठ के दो प्यार भरी बातें नहीं की है। कहीं घूमने नहीं गए हैं, ना सिनेमा देखने और ना ही बगीचे। हमका ना वो पहले वाले दिन बहुत याद आते हैं। वो दिन भी कहा ललन टॉप दिन थे, जब तुम और हम खेला देखने जाया करते थे और तुम हमसे छुप छुप के मिलने आया करते थे। बहुत मजा आता था। फिकर ना करो इंदुमती, हम फिर से अपने पुराने फटे सपने सिलेंगे। अरे दुनिया कुछ भी कहे, हम छुप छुप के मिलेंगे। अब छुप छुप के मिलने का क्या फायदा, अब तो हमारी शादी हो गई है। अरे इंदुमती, प्यार में तब तक मजा नहीं है जब तक सजा का डर ना हो। जैसे उस टाइम में था जब तुम जवान थी। हम जवान थे? अरे अपने बालों का हाल देखो, चांद चमक रहा है। चांद की चमकार, प्यार प्यार लगातार। ए जी, क्या बोले तू? ओ जी, क्या बोल बे हम? सुन सुना आती क्या डिलाइट सिनेमा? का करे आके डिलाइट सिनेमा? अरे घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर देखेंगे, गोलगप्पे खाएंगे और का। बहुत मजा आया। हमको ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले वाली एजी हो गए हो। और हमको ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले वाली ओजी हो गई हो। तो तय रहा, अब हम छुप छुप के मिलेंगे। नहीं नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे छुप छुप के मिलेंगे, कौन देखेगा? कौन गड़बड़ हो गई तो? जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। जब अबे मुगले आजम की औलाद, आ भगा के ले जा रहा नारकली को। दिलाए सिनेमा बाबूजी। कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। तो तय रहा, कल 3 बजे डिलाइट सिनेमा जब्बार।
आ मेरी जोहर जभी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अबे ओ बलराज सहानी की औलाद, कहाँ जा रहा है वे? जी वो दफ्तर जा रहे हैं। बेटा रोज तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाते हो, आज ये जोहरा सभी को याद कर रहे हो, चक्कर क्या है? जी बस कोई चक्कर नहीं है ऐसी कोई। अरे ध्यान से वो फिसल जाएगा, और इस उम्र में फिसला तो फिर कभी संभल भी नहीं पाएगा। जी ये लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे तू मौसी कहाँ जा रहे हैं बेटा? कहाँ जा रहे हैं? आज सोमवार है मौसी, शिव मंदिर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, शंकर भगवान से अच्छे से मांग लेना है। हाँ मौसी, अब शंकर भगवान ही बचे हैं जिनका सहारा है। जय भोलेनाथ। हाँ जय भोलेनाथ बेटा। अगर ऐसी बॉडी हम बना लें तो लोग कहेंगे देखो मामा आ रहा है, और विजय पांडे की कर देंगे छुट्टी। आए मुकुंदी बाबू यहाँ आए। भैया टिकट देना। अरे ये तो टिकट भी ले रहे हैं। ओहो तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए। ओ, ऐसी क्या खास चीज है इसके पास जो ये छुपा रहे हैं? अरे इनके पास छुपाने लायक है ही क्या, छुपाते तो पिताजी थे। अरे ये तो घुस गए। ओ, हा, 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 हा। हमको लगता है इनके कुछ तो गड़बड़ होने वाली हैंगी। अरे गड़बड़ हो रही है, क्या बकलोली कर रहा है? अरे हमने मुकुंदी बाबू को देखा भाई, छुप छुप कर सिनेमा हॉल में घुसते हुए। छुप छुप के तो वर्मा जाता था ना शर्मा की बीवी से मिलने। है? जरूर मुकुंदी किसी से मिलने गए होंगे। मुकुंदी गया है? इंदु मुकुंदी को छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ते तो पिताजी थे, क्या लंबी लंबी छोड़ते। एक बार अरे अरे दीदी पहले जा। ए जी का है जी? ए जी हम यहाँ है। अरे 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 का है? इतनी देर का है हुई? अरे हम तुम्हारे लिए जी चने लेने गए थे। हमें लिए और का ये बात बहुत सुंदर लग रही है। तुम भी बहुत हैंड पंप लग रहे हो। ये भाई तेरा गुटर को घर पे जाके कर पिक्चर देखने देना जरा। तो तेरी तो है। पहचान लेगा। हमारा पहचान लेगा, पहचान लेगा। चुपके चुपके आए ना। हाँ। तुम्हें गुस्सा भी ना। एलिजा, ये देखो मुकुंदी। अरे मौसी, वर्मा हमेशा पीछे वाली सीट में बैठते हैंगे। हाँ। इसका मतलब मुकुंदी भी पीछे वाली सीट में बैठे होंगे। चलो चलो पीछे उधर नहीं इधर है। अरे चलो चलो चलो। अरे कुछ दीदी, अरे दीदी इधर देखो, बैठ के पिक्चर देखो नहीं तो देंगे। हम बहुत देर से तुमको देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ नाच रहे हो। अरे भाई जब शांत प्रिय है दीदी, चलो आगे देखते हैं, यहाँ बहुत खतरा है। अच्छा